gentlemen, boys and girls, welcome back to my YouTube channel SAB Vlogs. How you are doing for Corvus? I'm doing extremely very well. So guys, अभी हम लोग खरगोश से निकल चुके हैं और हम लोग अभी गोवा में दूध सागर वाटरफॉल एक्सप्लोर करने जाने वाले हैं. बट हम लोग दूध सागर वाटरफॉल ट्रेन से एक्सप्लोर करने जाने वाले हैं क्योंकि वो जगह ही ऐसी है, क्योंकि काफी दूर दूर से टूरिस्ट लोग दूध सागर वाटरफॉल देखने आते हैं. ब्रिज से ट्रेन गुजरती है, उसके पानी से वाटरफॉल गिरता है. मतलब काफी अमेजिंग एक्सपीरियंस है वो. और मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ, सत्या भाई, संदीप भाई, मेरा भाई भी है सरज और श्रेयांश भाई भी है. सो आपको दिखाता हूँ ये ट्रेन, शॉर्टेस्ट ट्रेन जर्नी ऐसे होने वाली है. हम लोग मड़गा से ट्रेन में चढ़ने वाले और पॉसिबल हुआ तो हम लोग दूध सागर ट्रेन से डिबोर्ड करेंगे. सो गाइज, मड़गांव से दूध सागर के लिए हमने ली 08048 वास्को हावड़ा अमरावती एक्सप्रेस, जो कि सुबह 7 बजे मड़गांव स्टेशन पे आई और हमें 9 बजे दूध सागर को छोड़ दिया. गाइस, अभी हम लोग स्लीपर क्लास में यात्रा कर रहे हैं. 2S में थोड़ा सा रफ, हम लोग ने टिकट अपग्रेड करा लिया और नाश्ता भी मिल चुका है यहाँ पे. गरम गरम वड़ा पाव और इडली वगैरह मिला है. दिखाओ जरा सरज, ये देखो इडली वगैरह हमें मिल चुका है और वड़ा पाव वगैरह लिया अभी सत्या भाई खा रहे. तो दोस्तों, हम लोग अभी यात्रा कर रहे हैं अमरावती एक्सप्रेस में और ये आज का वड़ा पाव भाई यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं. संदीप भाई हैं यहाँ पे और स्वराज भी है. मयूर भाई उधर है, साइड लोअर के मजे ले रहे हैं, वो छोड़ते नहीं साइड लोअर. तो ये रहा अपना वड़ा पाव. हमने इडली भी ली थी, खैर इडली में स्वाद नहीं आया ना स्वराज ने, ये ट्राई किया था भाई ने, मजा नहीं आया. वड़ा पाव इनको मस्त लगा. अब अपनी बारी है, देखते हैं कैसा है स्वाद. सही हो रहा है यहाँ पे चरचोरम, पता नहीं ऐसे अच्छा लेकिन यार इसका टेस्ट थोड़ा, ये नॉर्थ इंडियन टेस्ट है, मतलब महाराष्ट्र टेस्ट नहीं है. जीरा वगैरह खाया था तब गर्मा गर्म था पूरा, अच्छा है ना. बढ़िया, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो मडगांव स्टेशन से मतलब ले सकते हो, पर वैसे ट्रेन में भी अच्छा खाना. सो गाइस, अभी हम लोग कुलेम तक पहुंच चुके हैं और ये जो सामने दो इंजन देख सकते हो ये बैंकर लोकोमोटिव है. हमारी ट्रेन को पीछे लगे कुलेम से लेके कैसल ड्रॉक तक, विच विल हेल्प आवर ट्रेन टू क्लाइम द घाट. और ये डीजल बैंकर हमें अभी कुलेम स्टेशन पे लगेगी. गाइस, हमारा सिग्नल हो चुका है एंड वी आर रेडी टू डिपार्ट टुवर्ड दूध सागर.
गाइस अभी हमने ट्रेन को डिबोर्ड किया दूध सागर स्टेशन पे और हमारी अमरावती एक्सप्रेस जा रही है एंड वी हैव डिबोर्डेड अवर ट्रेन। दूध सागर स्टेशन मस्त छोटा सा प्यारा सा स्टेशन है और इधर लैंडस्लाइड झाले ना इथेच झालेले वाटतं और यहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह होती रहती है आप देख सकते हो ट्रैक पे मिट्टी वगैरह है और इस खूबसूरत से स्टेशन पे प्लेटफॉर्म लेस स्टेशन पे हम लोग उतर चुके हैं एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस विच आई एम एक्सपीरियंसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। काफी मस्त लग रहा है लाइक ऐसे दृश्य में एक स्टेशन है हम लोग। गाइज यहाँ पर दृश्य काफी अमेजिंग है। दूध सागर के साथ साथ आपको यहाँ पे छोटे मोटे वाटरफॉल भी देखने को मिलेंगे और हम लोग अभी दूध सागर रेलवे स्टेशन पे उतर चुके हैं और वहाँ से हम लोग अभी बढ़ रहे हैं दूध सागर वाटरफॉल्स की ओर और ये जगह काफी सुंदर अद्भुत जगह है। आपको यहाँ का दृश्य देखा छोटे मोटे वाटरफॉल्स है और देख सकते हो आप लोग कितना मस्त लग रहा है ये। गाइस अभी हम लोग को टनल में जाने वाले लाइक अभी सिंगल ट्रैक आ चुका है और इस टनल से गुजर के हम लोग दूध सागर की ओर बढ़ने वाले। थ्रिलिंग ट्रिप है, कोई ट्रेन ना आ जाए साइड में रुकना पड़ेगा। फिर दूध सागर का पुराना कैबिन था कंट्रोल कैबिन, ये टनल है और ठीक इसके सामने पुराना वाला भी नया वाला उधर बन चुका है और ये पुराना कैबिन विद दिस टनल सिंगल ट्रैक। इस सुंदर टनल के अंदर अभी हम लोग जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम मैं किसी टनल से ट्रैवल कर रहा हूँ, अंदर जा रहा हूँ और ये टनल में लाइट्स भी नहीं है आप देख सकते हो, थोड़ा सा स्केरी है। मैं और संदीप भाई साथ में आगे क्या हमारे ग्रुप आगे जा चुका है, मस्त चिल मार के हम लोग जा रहे हैं टनल में। हमने टनल सक्सेसफुली पार कर लिया है, थोड़ा अंदर डर लगा क्योंकि अंदर लाइट्स नहीं थे, डर तो था कि कोई ट्रेन ना आ जाए और सांप बिच्छू बिच्छू कुछ भी रह सकते हैं, बट वर्थ है यहाँ पे आना, काफी मजा आ रहा है और हमारे साथ बढ़ चुके हैं और सब ब्लॉगिंग करते करते आनंद लेते होते आगे बढ़ रहे। वी हैव रीच दूध सागर और यहाँ पे चलने को वगैरह जगह रखा है स्टाफ के लिए और चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में यही लोकेशन यूज किया था, वहां पर वो सब होते इधर आते फिर शाहरुख खान दीपिका यहाँ पे उतरते उनको लेके जाते एंड लुक एट दिस व्यू अमेजिंग देख सकते हो। And this is the Doodh Sagar. हम लोग अभी दूध सागर गए हैं और ये दूध सागर वॉटरफॉल जो सामने से एक ट्रेन आ रही है
सो गाइस हमारा दूध सागर का ब्लॉग यहीं पर ही एंड होता है और इस सुंदर से लोकेशन पे आना काफी वर्थ था। और मैं यहाँ पे सेकंड टाइम आया हूँ और सेकंड टाइम मॉनसून में हूँ, काफी मजा है मेरे फ्रेंड्स के साथ। गाइस आपको कैसा लगा मतलब एक्सपीरियंस? बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लगा। और ये जितना आपको दिखने में छोटा लग रहा है वीडियो में, बहुत ही बढ़िया। और मयूर भाई खास पुणे से है, उसके लिए थैंक यू सो मच। श्रेयंस भाई और सुनर भाई भी मेरे साथ है, सत्य भाई शूट कर रहे हैं। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं हो तो सब्सक्राइब भी करो। सो ट्रैवल एज मच यू कैन, एज पर यू कैन, एज लॉन्ग यू कैन। दिस इज अ व्लॉग साइनिंग ऑफ फ्रॉम दूध सागर। बाय बाय।